तुम सबसे ताकतवर सैयन से लड़ना चाहते थे ना जिरेन? लो मैं आ गया, इस इतिहास का सबसे ताकतवर सैयन प्रिंस वेजिटा। तो ये कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से, जब वेजिटा गोकू को बोलता है, कैकरोट मुझे तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की शक्ति दिखाओ। फिर इस पर गोकू बोलता है, मैं नहीं कर सकता वेजिटा। फिर से वेजिटा बोलता है, क्या बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत देखनी है जो तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में दिखाया था। फिर गोकू वेजिटा से बोलता है, ठीक है वेजिटा, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद गोकू थोड़ा शांत हो जाता है और फिर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदल नहीं पाता है और फिर बोलता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है, तुम मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत दिखाना नहीं चाहते हो कैकरोट? क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं मैं उस फॉर्म का कोई तोड़ ना निकाल लूं। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना कैकरोट? फिर गोकू बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है वेजिटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उस फॉर्म में बदल नहीं पा रहा। फिर वेजिटा बोलता है, बहानेबाजी बंद करो कैकरोट और एक असली योद्धा की तरह मेरा मुकाबला करो। फिर गोकू बोलता है, वेजिटा मैं क्या बोल रहा था, अगर हम यहाँ पर लड़ाई करेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचेगी, क्यों ना हम टाइम चेंबर में जाकर लड़ाई करें, क्यों, क्या कहते हो वेजिटा? इस पर फिर वेजिटा बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है कैकरोट, लेकिन क्या टाइम चेंबर हमारी इस गॉड की को झेल सकती है? इस पर गोकू बोलता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, मैंने 20 से कहकर इस टाइम चेंबर को काफी ज्यादा मजबूत बना दिया है और ये टाइम चेंबर तभी टूट सकता है जब हमारी शक्ति एक एंजल के बराबर होगी, क्योंकि इस टाइम चेंबर को 20 ने मॉडिफाई किया है। फिर गोकू शॉक होकर के बोलता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया, 20 ने कहा था कि इसके दरवाजे से थोड़ा दूर रहना क्योंकि वो दरवाजा मजबूत नहीं है। 20 ने मुझसे कहा था कि इसके सिर्फ डायमेंशन के लेयर को ही मजबूत बनाया गया है, तो हमें दरवाजे से करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर ही अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। फिर वेजिटा बोलता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करने नहीं आया हूँ कैकरोट, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से लड़ने आया हूँ, समझे तुम बेवकूफ। फिर गोकू बोलता है, ठीक है वेजिटा, तो तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर गोकू सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और बोलता है, पहले तुम इसका तो सामना करके दिखाओ वेजिटा, उसके बाद मैं अपना लेवल और बढ़ाऊंगा। फिर वेजिटा बोलता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो जोकर कहीं के। उसके बाद फिर वेजिटा भी सुपर सैयन ब्लू में बदल जाता है और फिर इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। एक पंच पहले वेजिटा गोकू को मारता है, उसके बाद फिर गोकू वेजिटा को, दोनों में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई हो रही होती है। फिर गोकू कायोकेन 20 गुना का इस्तेमाल करता है और इधर वेजिटा सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म का इस्तेमाल करता है। फिर गोकू बोलता है, अब तुम इसका सामना करके दिखाओ वेजिटा। फिर वेजिटा बोलता है, मेरे सुपर सैयन इवोल्यूशन फॉर्म को तुम हल्के में मत लेना, समझे कैकरोट। फिर गोकू बोलता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। वेजिटा गोकू पर भारी पड़ रहा होता है और बोलता है, अगर तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे कैकरोट, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं इस बार मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे तुम बेवकूफ। इसके बाद फिर वेजिटा अपनी पावर को अप करने लगता है और गोकू को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और फिर वेजिटा गुस्से में बोलता है, अपनी ताकत दिखाओ कैकरोट, वरना आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल अधमरा सा हो जाता है। इसके बाद फिर वेजिटा बोलता है, ऐसी शक्ति का क्या फायदा जो तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दे। और फिर वेजिटा अपना आखिरी हमला करने वाला होता है और बोलता है, तुमने हमेशा मेरा मजाक बनाया है, मैं एक सैयन प्रिंस हूँ और तुम एक नीचे स्तर के सैयन, अब मरो कैकरोट। इसके बाद फिर वेजिटा गोकू पर आखिरी हमला कर देता है, लेकिन अचानक से वो हमला गायब हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और फिर गोकू बोलता है, अब तो तुम खुश हो, क्यों है ना वेजिटा? फिर वेजिटा स्माइल करते हुए बोलता है, ये हुई ना बात। फिर गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में लड़ाई होने शुरू हो जाती है। गोकू वेजिटा के सारे हमले से बच जा रहा था। फिर वेजिटा बोलता है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इतना ताकतवर हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं तो इसे छू तक नहीं पा रहा। फिर वेजिटा पावर अप करने लगता है और पावर अप करते हुए सुपर सैयन इवोल्यूशन 2 फॉर्म तक पहुंच जाता है। फिर गोकू बोलता है, ओ लगता है कि तुम्हारे पास भी अभी बहुत ताकत बची है। अब बहुत हो गया वेजिटा,
मैंने बहुत तुम्हारे साथ खेल लिया। फिर वेजिटा बोलता है, क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा था? उसके बाद फिर गोकू एक बड़ा सा की ब्लास्ट करता है और फिर वेजिटा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और फिर वेजिटा बोलता है, नहीं फिर से नहीं, कैकरोट हमेशा मुझसे एक कदम कैसे आगे निकल जाता है। फिर गोकू भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है, बाल बाल मैं बच गया, तुम तो मुझे मार ही डालते वेजिटा, मेरी तो जान ही निकल गई थी। खैर मैं थोड़ा टाइम चेंबर के बाहर जा रहा हूँ, वेजिटा तब तक तुम टाइम चेंबर के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग करना, ठीक है? और हाँ, दरवाजे के पास जाकर ट्रेनिंग मत करना, अगर दरवाजा गलती से भी टूट गया तो तुम इस टाइम चेंबर के अंदर हमेशा बंद हो जाओगे। और हाँ, इसके डायमेंशन को तोड़ना भी नामुमकिन है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर गोकू वहाँ से चला जाता है। वेजिटा दरवाजे से 100 किलोमीटर दूर होता है। फिर वेजिटा मन ही मन खुद को बोलता है, मैं सैयन प्रिंस के नाम पर एक थप्पा हूँ, मैं कभी कैकरोट से आगे नहीं निकल सकता, वो हमेशा से मेरे से एक कदम आगे ही रहता है, वो नीचे स्तर का सैयन आज मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। सच तो ये है कि मैं हीरो बनने के लायक ही नहीं हूँ। फिर एक वेजिटा को डरावनी से आवाज सुनाई देती है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, तुम हीरो बनने के लायक नहीं हो। ये सुनकर वेजिटा हैरान हो जाता है और कहता है, ये किसने कहा? फिर वेजिटा चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है, कौन है, कौन है यहाँ पर? फिर वो बोलता है, तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो वेजिटा, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। फिर वेजिटा बोलता है, कौन हो तुम? फिर वो बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ वेजिटा, जो तुम्हारी मदद करना चाहता है। फिर वेजिटा बोलता है, आखिर तुम हो कौन बेवकूफ कहीं के, और मेरे शरीर से बाहर निकलो। जरा रुको वेजिटा, तुम उस सैयन से आगे निकलना चाहते हो ना? मैं तुम्हें उस सैयन से बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी घुटने टेकेंगे। फिर वेजिटा पावर अप करने लगता है। वेजिटा के चारों तरफ से एक ब्लैक ऑरा निकलने लगती है। उनमें से एक ऑरा इतना तेज होता है कि वो सीधा जाकर के टाइम चेंबर से टकरा जाता है और टाइम चेंबर का दरवाजा पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इधर गोकू अपने फैमिली से मिलकर टाइम चेंबर की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। वो टाइम चेंबर के पास जैसे ही पहुंचता है तो वो पाता है कि टाइम चेंबर का दरवाजा टूटा हुआ था। फिर गोकू सोचता है, ये जरूर उसी शक्ति का कराधरा है, लेकिन आखिर वो था कौन? फिर डेंडे और मिस्टर पोपो भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, ये आखिर कैसी शक्ति थी? फिर गोकू बोलता है, डेंडे मिस्टर पोपो, क्या यहाँ पर कोई आया था? डेंडे कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। इधर वीस को वो शक्ति महसूस होती है और वीस बोलते हैं, आखिर ये कैसा एहसास है? फिर गोकू बोलता है, वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर फंस गया है, हम उसे बाहर कैसे निकालेंगे? ये दरवाजा भी टूट गया है और उसके डायमेंशन से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। अब हम क्या कर सकते हैं डेंडे? डेंडे कहता है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। गोकू बोलता है, क्या डेंडे? वेजिटा की मौत। फिर गोकू बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर डेंडे बोलता है, गोकू शेनॉन भी वेजिटा को उस डायमेंशन से वापस नहीं ला सकते हैं, और टाइम चेंबर में ज्यादा कुछ खाने पीने को बचा नहीं है, मुश्किल से 10 दिनों का ही सामान बचा होगा। उस टाइम चेंबर के अंदर वेजिटा कुछ ही दिनों तक सरवाइव कर पाएगा। उसके बाद फिर गोकू बोलता है, और कोई रास्ता नहीं है डेंडे? फिर डेंडे बोलता है, शायद वीस इस चीज में हमारी मदद कर सकते हैं। गोकू फिर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वीस के पास जाता है और बोलता है, वीस मुझे आपकी मदद चाहिए, वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर फंस चुका है, हमें उसे बचाना होगा। फिर वीस कहते हैं, रुको गोकू मैं जरा देखता हूँ। फिर वीस वेजिटा की शक्ति को महसूस करने लगते हैं, लेकिन वेजिटा की शक्ति को वीस महसूस नहीं कर पा रहे थे। फिर वीस कहते हैं, मुझे वेजिटा की शक्ति बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, शायद वो कोई और डायमेंशन में है। फिर गोकू कहता है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। फिर गोकू वहां से चला जाता है और फिर वो बुलमा के पास जाता है और बोलता है, बुलमा मुझे तुम्हारे ड्रैगन बॉल चाहिए। बुलमा बोलती है, क्या हुआ गोकू, आखिर क्या बात है? गोकू बोलता है, बुलमा वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर फंस चुका है और वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि टाइम चेंबर का दरवाजा टूट चुका है। बुलमा बोलती है, क्या तो अब हम क्या करेंगे गोकू? गोकू बोलता है, मुझे जल्दी से ड्रैगन बॉल दो, शायद शेनरॉन हमारी कुछ मदद कर दे। फिर गोकू शेनरॉन को शमन करता है। फिर शेनरॉन बोलता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। गोकू कहता है, शेनरॉन क्या आप वेजिटा को यहाँ पर ला सकते हैं? शेनरॉन थोड़ा सोचता है और फिर कहता है,
वेजिटा किसी और डायमेंशन में है, मैं उसे यहाँ पर नहीं ला सकता। तुम्हारी कोई और इच्छा? गोकू कहता है कि क्या आप मुझे वेजिटा के पास भेज सकते हैं शेनरॉन? फिर शेनरॉन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें उस डायमेंशन में नहीं भेज सकता। फिर बुलमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें वेजिटा को यहाँ पर लाना ही होगा ड्रैगन। फिर गोकू बोलता है, शांत हो जाओ बुलमा। फिर शेनरॉन बोलता है, और कोई इच्छा? फिर गोकू बोलता है, नहीं, अलविदा। ये कहकर शेनरॉन वहाँ से चला जाता है। फिर गोकू बुलमा से बोलता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है बुलमा, हमें वेजिटा के मरने का इंतजार करना होगा। बुलमा बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो गोकू, ये तुम क्या बोल रहे हो? गोकू बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो बुलमा, हमें जितनी कोशिश करनी थी हमने कर ली, वेजिटा उस डायमेंशन से बाहर नहीं आ सकता। कुछ और दिनों के बाद हम शेनरॉन को दोबारा समन करेंगे। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है, देखो वेजिटा, सभी लोग तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कितने कमजोर हो। तुमने आज तक किसी भी विलन को नहीं मारा वेजिटा, फ्रीजा को गोकू ने मारा, यहाँ तक कि सेल को उसके बेटे गुहान ने मारा, और जहाँ तक की बारी आई मार्जिन बू की, तो उसे भी गोकू ने ही मारा था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरेन को भी गोकू और फ्रीजा ने मिलकर हराया था। तुम तो पहले ही बाहर हो चुके थे, तुमने क्या किया? सिर्फ अपने सर पर सैयन प्रिंस का नाम लगाकर घूम रहे हो। खुद को पहचानो वेजिटा, अपने अंदर के गुस्से को जगाओ। तुम सभी सैयन के राजकुमार हो, और ये सारे के सारे सैयन तुम्हारे कदमों में होने चाहिए, यहाँ तक कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी। फिर देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। फिर से शेनरॉन को समन किया जाता है। शेनरॉन बोलता है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। गोकू बोलता है, वेजिटा को अर्थ पर ले आओ शेनरॉन। फिर शेनरॉन कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। गोकू बोलता है, क्या? शेनरॉन कहता है, वेजिटा अभी भी जिंदा है। गोकू सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? टाइम चेंबर में तो कब का सारा खाने पीने का सामान खत्म हो चुका होगा, तब ये कैसे हो सकता है? फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा पूरी तरह से तैयार होता है और अपने पावर को अप करने लगता है, और पावर को अप करते करते वेजिटा एक पोर्टल को क्रिएट कर लेता है, और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। इधर गोकू डेंडे से मिलने के लिए कामे प्लेस जा रहा होता है, और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो, क्या करोट? गोकू ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो देखता है